हेलो एवरीवन, और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। एक्चुअली सुबह ना बहुत सारे वीडियोस बनाने थे, क्रंच वीडियो बनाना था, उसकी वजह से लेट हो गया। तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। अभी रुचि को एक्चुअली मैं पिक करने आई हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने रिक्वेस्ट करी तो मैं पिक करने आई हूँ। धूप बहुत ज़्यादा है तो अभी मैं ये नहीं उतार रही हूँ, ये घर जाकर ही उतारूँगी। और उसको पिक करके मैं सीधे घर जा रही हूँ। लंच भी नहीं किया है, जस्ट बस बच्चों को ले आई थी। अब जाकर लंच करेंगे और लंच में है मटन, तो वो मैं जाकर दिखाती हूँ घर पे। पहले मैं उसको ले लेती हूँ यहाँ से। तो मैं घर आ गई हूँ और हम लोग खा रहे हैं, ये देखिए मटन बना था तो वही खा रहे हैं। और भूख भी बहुत तेज लगी है, ये स्कूल से आके ही सो गया था, वीक हो गया है, बहुत ज़्यादा दुबला हो गया है, स्कूल से आके सो गया था। तो इसको भी अभी मैं खिला रही हूँ खाना, कभी कभी अपने हाथ से ही खिलाना पड़ता है। लेस होती है ना। तो बाकी आज ये लोग बच्चे लोग अपने नाना नानी के साथ पार्टी में जा रहे हैं, तो हम मैं और रुचि घर पे अकेले रहेंगे, मतलब विवान के साथ। तो देखते हैं, मैं तो सोच रही थी, मेरे दिमाग में तो सबसे पहले आया कि मैं वीडियो शूट करूँगी फटाफट खूब सारे, बाकी देखते हैं क्या करते हैं। ये रहा सामान, रुचि ज्वेलरी बना रही थी जब मैं सो रही थी दिन में, आज मैं फिर सो गई और बहुत ज़्यादा सोई। तो ये सामान है सारा, वो बना रही है। अभी बच्चे रेडी हो रहे हैं शादी में जाने के लिए, तो उठ के वो भी थोड़ा सा, और मैं भी जा रही हूँ। मैंने मौली को रेडी कर दिया है, अब मैं थोड़ा सा उसको प्रिपेयर कराने जा रही हूँ। तो यहाँ पे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हो रही है, जस्ट और ये मैडम रेडी हो गई हैं। हाय, पूरा ऐसे राउंड राउंड करके दिखा दो। यस, एक मिनट, ये जो है हम लोगों ने एग्जीबिशन से लिया था जब हम लोग गए थे मोती झील, तो ऐसे ही किसी दिन के लिए शायद। और आज ये इस पर मैच कर गया तो मैंने लगा दिया। इनको मेकअप कराने का बहुत शौक है, लेकिन नो वरी, वो देखिए एग्ज़ाम्स और सिलेबस और एग्ज़ाम की जो डेट है वो है वहाँ पर। तो अभी जब तक नानी तैयार हो रही है तब तक मौली करेगी पढ़ाई, है ना? थोड़ी सी। चलो करते हैं फिर पढ़ाई। चलो चलो बैठो वहाँ पे। और ये मेरा दुबला पतला सा हीरो रेडी हो चुका है, ये देखिए। और ये शूज़ मैंने इसको बर्थडे पे दिलाए थे, और वो छन्नी जो है विवान ने फैलाई है। तो कोई बात नहीं, हम फिर से हेल्थ बना लेंगे। ओके आरुष, ओके ओके। तो चलिए मैं बैठ गई, ये देखिए इनका टीम तोपड़ा लेके, और बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई है। तो चलिए फिर मैं थोड़ा सा एक दो चैप्टर इसको पढ़ाती हूँ। अभी आपको पता है मैं क्या कर रही थी, मैं बना रही थी वीडियोस, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए। और मैं लेट हो गई क्योंकि मम्मी लोग शादी में थोड़ा सा लेट निकले, इस वजह से मौली को तो मैंने बहुत ही पहले प्रिपेयर कर दिया था, रेडी कर दिया था। प्रिपेयर कह रही हूँ मतलब एग्ज़ाम टाइम है तो सब कुछ प्रिपेयर ही है। तो उन बच्चों को रेडी कर दिया था मैंने बहुत पहले ही, और मैंने उसको काफ़ी सारा पढ़ा दिया, काफ़ी सारा। अभी मैं चढ़ा रही हूँ अपनी जीरा टी, जो कि मैं डेली पीती हूँ, और दो दिन से तीन दिन से मैं पी नहीं पा रही, काम इतना हो रहा है, बच्चों की इतनी पढ़ाई हो रही है। ये अच्छी लगती है पीने में जीरा, मुझे पसंद भी है, जिनको पसंद नहीं तो वो शायद ना भी पी सकें, बट मैंने सुना था कि अच्छा होता है। तो और आज पता नहीं क्या हो गया है, पूरे घर की लाइट छोड़ी थी, डिम हो गई है। तो इसको बनाते बनाते पीते पीते तो वो लोग तो चले गए, अब हम लोग क्या खाएं, क्या खाएं। और जब घर से कोई जाता है तो ये बात आपको पता होगा होगी कि जब कोई घर से जाता है तो हमारा भी मन करता है कि हम कुछ अच्छा खाएं। तो मंगा लिया, सामने ही शॉप है, ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत 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 पसंद है। और नूडल्स तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो
ये बनाएंगे, तीन लोग हैं घर में, हम भी लोग वही खाएंगे। विवान थोड़ी बहुत खाएगा, बाकी उसकी खिचड़ी रखी है। और साथ में ही जीरा टी बना, जैसे ही जीरा टी मैं निकालूंगी कप में वैसे ही मैं इसको चढ़ा देती हूँ। और आई थिंक इसमें ये थोड़ी सी गीली गीली सी बनती है, तो आई थिंक इसमें 2 कप, हाँ 2 कप पानी जाता है एक में, एक टेस्ट मेकर में, तो इसमें होते हैं 4, तो जाएगा 8 कप पानी। तो वो भी मैं धीरे से चढ़ा देती हूँ ताकि धीरे धीरे ये अपना एक साइड पे कुक हो जाए, और फिर इसको हम खाएंगे और फिर करेंगे वीडियो का एंड। तो अभी पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। इसी के साथ मेरी जीरा टी हो गई है और इसको मैं इसमें छान देती हूँ। ज़्यादा सी बन गई है बट कोई बात नहीं, ग्रीन टी, जीरा टी ये सब मैं ज़्यादा सी बन भी जाए तो पी लेती हूँ। और ये मैंने रख दिया इसमें 8 कप ऑफ वाटर, और उसके बाद इसमें होगी ये कुक। किसमें किसको करी पसंद है कमेंट बिलो। और ये देखिए बहुत ज़्यादा सी बन गई है, और ये बन गई और थोड़ी सी मेरे से गिर भी गई, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा जैसे ही बनाते हैं ना थोड़ा गीला गीला सा, मैगी की तरह नहीं बनती है ये। और यार ये क्या बदतमीजी है, अभी तो इतना सारा मैं घोल के गई थी। ये मुझे लग रहा है ना ये पैकेट पुराना था, जो पैकेट थोड़े पुराने हो जाते हैं ना तो उनका घुलता नहीं है ठीक से पानी में। तो चलिए मैं इसको, हम प्लेट्स लगी हुई हैं, थाली प्लेट्स लगी हुई हैं, तो इसमें ट्रांसफ़र करके फिर दिखाती हूँ। ये रहा मेरा करी नूडल्स, और वो भवानी जी वहाँ पर बैठी हैं अपना तीम तोबड़ा लेके, बुला रही हूँ आ ही नहीं रही है। ये देखिए आओ तो साथ में खाते हैं। और आपको एक बात बताती हूँ मैं, एक्चुअली आपको ये बताना था कि जो बच्चे हैं, मेरा हाथ में दर्द होने लगा, और पता है जो मैंने स्क्रैपिंग वीडियोस बनाए थे ना उससे मेरे यहाँ पे कट गया, एक छाला सा आ गया था, अभी थोड़ा सा कम हो गया है, दर्द होने लगता है यार। तो जो बच्चे हैं वो मेन क्यों जाते हैं शादी में, इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको जो स्टार्टर्स होते हैं वो खाने होते हैं, और जो साइड डिशेज होती हैं ना लाइक डोसा तो नहीं खाते हैं, मम्मी जैसे खा लेती, कभी मौली खा लेती है, बट आरुष है तो, और आरुष मौली दोनों ही और लक्ष्य भी, तीनों ही नूडल्स बहुत खाते हैं। नूडल्स खा लिया या पाव भाजी खा लिया, एक्स्ट्रा में उनको जो भी अच्छा लगेगा, फ्रूट्स मिलेंगे तो वो लोग फ्रूट्स भी बहुत खाते हैं। और खूब ऐसे आते हैं और बोलते हैं कि मम्मा मुझसे कुछ नहीं बोलना, मेरा पेट इतना भरा हुआ है। तो एक ये रहता है कि चलो जाके उन्होंने अपने मन का खा लिया। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड, और ये रही मेरी नूडल्स, बहुत टेस्टी होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।